फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं FirstBite.tv। बेकाबू कोरोना के सामने सभी बेबस हैं, मरीज भी, तीमारदार भी, अस्पताल भी और अब सिस्टम भी। संक्रमितों की संख्या में लगातार मिल रहे उछाल के कारण सभी व्यवस्था मानो जैसे ठप पड़ गई है। क्षमता से 3 गुना ज्यादा तक मरीज सुविधा पाने के लिए सिफारिश लगाते हुए इधर उधर घूम रहे हैं। ऐसे में ममाना रोड स्थित एफ्स नोवा अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की और कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। मामला चूंकि कोरोना से जुड़ा हुआ है, लिहाजा पुलिस भी कोविड वार्ड में घुसने का साहस नहीं कर पा रही है, लिहाजा स्टाफ बाहर निकलकर आ गया है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्ष बाहर आए तो वह कुछ कदम उठाए। गंभीर बात यह भी है कि एक मरीज की मौत हो गई है, लेकिन स्टाफ बता रहा है कि मौत क्यों हुई उसे कुछ नहीं पता। यह भी पता चला है कि एक चिकित्सक ने बचने के लिए खुद को वॉशरूम में बंद कर लिया है, वह भी बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। अधिकांश साथियों के साथ बाहर आए एफ्स नोवा अस्पताल के असिस्टेंट मैनेजर रोहित स्वरूप कौशिक ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। यहाँ हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव मरीज था, जिसके मरीज के तीमारदारों को सारी स्थिति मरीज की बता दी गई थी। अच्छा। लेकिन मरीज अभी एक्सपायर हो गया और हमें नहीं पता कैसे हो गया, थोड़ा सा ये होता है ऊपर वाले के ऊपर होता है। इसके बाद ये है कि मरीज के तीमारदारों ने मरीज के हमारे ICU के शीशे फोड़ दिए हैं। उसके अच्छा। बाद मरीज के जो हमारे जो स्टाफ है उसके साथ मारपीट की है। हमारे एक डॉक्टर RMO हैं फिरोज, उनके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की है, जिसकी वजह से वो घायल हुए हैं। अच्छा। और उसके बाद हमें पुलिस की मदद नहीं मिल पा रही है और पुलिस बता रही है कि तुम्हारा हॉस्पिटल कोरोना पॉजिटिव है, इसके लिए हम अंदर नहीं जा सकते, जो बात करनी है मेन गेट पे करनी है। मरीज कहाँ का है जिसकी बहुत हुई है? मरीज वैसे तो नोएडा का एड्रेस डला हुआ है हमारे पास, लेकिन रजपुरा से कोई लिंक है इनका। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो कितने लोग हैं जो तोड़फोड़ कर रहे हैं? तोड़फोड़ करने वाले कम से कम 30 से 35 आदमी हैं। अच्छा अच्छा। अभी भी अंदर तोड़फोड़? जान से मारने की रेगुलर धमकी मिल रही है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो स्टाफ के लोग अभी फिलहाल अस्पताल? स्टाफ के लोग अभी हॉस्पिटल का, हमने CMO को भी फोन किया था, CMO के यहाँ से भी हमें कोई मदद नहीं मिल पाई है। अच्छा। जिसकी वजह से अभी हम अपना काम बंद कर रहे हैं, क्योंकि हम पिटने के लिए नहीं बैठे हैं, हम इलाज करने के लिए बैठे हैं। पहली मंजिल पर है ये, दूसरी मंजिल पर है ICU वार्ड है। ICU वार्ड में? हाँ जी। जिसकी वजह से हम अभी हॉस्पिटल का काम बंद कर रहे हैं फिलहाल में। अच्छा। अभी क्योंकि हमें ना तो CMO के यहाँ से कोई मदद मिल रही है, हमें कोई मदद। कोविड के कितने मरीज भर्ती हैं? कोविड के कम से कम 75 मरीज हैं। इस खबर में आज इतना ही, आप देखते रहिए FirstBite.tv। नमस्कार।